किसान नेता राकेश टिकैत अपने बड़े बड़े बयानों को लेकर अमूमन सुर्खियां बटोरते रहते हैं और एक बार फिर वो ऐसा ही कुछ बड़ा बयान देकर चर्चा में आ गए हैं। लेकिन इस बार उनका टारगेट थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनको निशाना साधने की वजह थी बीजेपी की पहली लिस्ट, क्योंकि बीजेपी की उस लिस्ट में अजय टेनी का नाम था। बस यही नाम राकेश टिकैत को पसंद नहीं आया। मुजफ्फरनगर पहुंचे भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से जब पत्रकारों ने टेनी को टिकट दिए जाने पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों के हत्यारे एमपी को फिर से टिकट देकर गलत किया, किसान इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वो उनका पॉलिसी मैटर है, हम उसकी निंदा करते हैं, इनको चिट्ठी लिखते रहेंगे, जहाँ पे भी देश में मीटिंग होगी उस एमपी का नाम आता रहेगा कि गलत आदमी को टिकट दिया है इन्होंने। अपने मीटिंगों में करेंगे, उसका चर्चा आएगी कि जिसने हत्या करी है उसको फिर सरकार टिकट दे रही है, तो इसका मतलब किसानों से कोई हमदर्दी सरकारों को नहीं है। राकेश टिकैत से पहले किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने भी टेनी को टिकट देने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ने किसानों के जले पर नमक छिड़का है। आज हमें यहाँ पर समाचार मिला है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अजय मिश्रा टेनी को लखीमपुर खीरी से दोबारा टिकट दी है, और जो केंद्र की सरकार ये कह रही है कि हम किसानों मजदूरों की हमदर्दी से मांगे मान लेंगे। अब ये जो कटे पे नमक छिड़कने की बात केंद्र ने की है कि जो अजय मिश्रा टेनी है वो लखीमपुर खीरी किसानों के कातिल हैं, उनके ऊपर 120B का पर्चा डाला हुआ है, और ये कार्य करके देश भर के किसानों और खेत मजदूरों का हृदय केंद्र सरकार ने दुखी किया है, और इसका बदला देश के किसान मजदूर मोदी सरकार से जरूर लेंगे, और ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक लखीमपुर खीरी का इंसाफ नहीं ले लेते। बता दें कि पिछले शनिवार को बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 195 उम्मीदवारों में 51 नाम यूपी से थे, और इस लिस्ट में पीएम मोदी, स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गज थे। उन्हीं में से एक अजय मिश्र टेनी का भी नाम था, जिन्हें पार्टी ने तीसरी बार लखीमपुर खीरी से अपना प्रत्याशी बनाया है। जब से उनके नाम का ऐलान हुआ है तब से किसान बीजेपी से नाराज हैं, और अब तो खुद राकेश टिकैत भी बीजेपी के इस कदम से खुश नहीं है। अजय मिश्र टेनी का विरोध चाहे कितना भी हो, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी अपना फैसला बदलेगी नहीं, क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि जब लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के बाद अजय मिश्र टेनी से उनका पद नहीं छीना गया तो अब क्यों बीजेपी उनकी जगह किसी और को टिकट दे। इसे या तो पार्टी में उनका रुतबा कहें या फिर किसी बड़े नेता का उनको समर्थन, लेकिन टेनी तो लखीमपुर से ही हुंकार भरेंगे।